आज के समय पर क्यूआर कोड काफी ज्यादा चलन में है। आपने देखा होगा डेली यूज पर काफी ज्यादा यूज होता है क्यूआर कोड का, चाहे हम बात करें किसी को पेमेंट करने की या फिर बात करें किसी प्रोडक्ट को वेरीफाई करने की। आज के समय पर आपने देखा होगा जब हमें किसी को पेमेंट करना होता है तो एक बार कोड होता है, हम उसे स्कैन करते हैं, फिर आसानी से फोन पे के जरिए हम पेमेंट कर पाते हैं। कोई हमें नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पर हमें अकाउंट नंबर डालना नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार कोड की मदद से हम पेमेंट शेयर कर पाते हैं। इसी प्रकार से हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हर एक प्रोडक्ट में आपको बार कोड या फिर क्यूआर कोड देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास है एक राउटर 4G राउटर, जबकि इसके पीछे भी आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक बार कोड मिल जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट को देख लीजिए, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, सब में आपको बार कोड या फिर क्यूआर कोड देखने को मिल ही जाएगा, जिसे स्कैन करके हम उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी निकाल सकते हैं। उस बार कोड के पीछे, उस क्यूआर कोड के पीछे बहुत सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि क्या हम खुद के लिए एक क्यूआर कोड बना सकते हैं, खुद के लिए एक बार कोड बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हो भी अपने स्मार्टफोन से। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम अपने स्मार्टफोन से एक क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। और अगर आप भी अपने लिए क्यूआर कोड तैयार करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई भी टेक्स्ट हो, कोई यूआरएल हो, कोई वेबसाइट का लिंक हो, आप उसे क्यूआर कोड पर तब्दील कर पाएंगे, क्यूआर कोड पर कन्वर्ट कर पाएंगे, जिसे सिंगल क्लिक में कोई व्यक्ति स्कैन करके आपको उस वेबसाइट पर चला जाएगा। या फिर आप अपने वाईफाई का आईडी पासवर्ड को जो है एक क्यूआर कोड में बनाना चाहते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके उस बारकोड को स्कैन करके आसानी से आपके वाईफाई को एक्सेस कर पाए, तो ये भी आप कर पाएंगे। बिल्कुल जबरदस्त वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करनी है, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करनी है क्यूआर कोड जनरेटर आपको सर्च कर लेनी है, ठीक है, प्ले स्टोर पे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी, देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेटर क्यूआर स्कैनर लिखा है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इसके बाद आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल कर आएगा, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको मिलेगा URL QR, Wi-Fi QR, टेस्ट, ईमेल, SMS, MP3। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेक्स्ट को आपको कर दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट। अब यहाँ पर मान चलिए हम कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ TACKING SANDEEP, टेस्टिंग संदीप में लिख दिया। अब जनरेट QR कोड पर क्लिक करता हूँ, इस तरह से इस पर मैं क्लिक किया और हमारे पास एक QR कोड बन के तैयार हो जाएगा। और इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि आप अपने क्यूआर कोड को कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपको फैसिलिटीज मिल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक क्यूआर कोड बनके आ चुकी है। आप चाहे इसके अंदर जो डॉट हमें मिलती है इसे आप चौकोन कर सकते हैं, राउंडेबल कर सकते हैं, स्टार पे कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अभी चौकोन चौकोन हो चुका है, देख सकते हैं। इसे मैं राउंड पे करता हूँ, ये राउंड हो जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से ये राउंड हो गया। इसे हम स्टार में भी कर सकते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पर कस्टमाइज कर पाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जो कोने कोने में जो डिब्बा हमें मिल रहा है, जिसे आइस कहते हैं, हर एक बार कोड में, हर एक क्यूआर कोड में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आइस पे जानी है और इसे आप इस तरीके से गोल कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं ये गोल हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, मिनी स्क्वायर पर देख सकते हैं कि मिनी स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको जब आपका क्यूआर कोड बन के तैयार हो जाए तो आपको डाउनलोड फ्री पर क्लिक करनी और आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं URL पर, इस पर क्लिक करते हैं और आपका कोई भी URL है जिसे स्कैन करके व्यक्ति सीधा आपकी वेबसाइट पर पहुँच जाए, तो आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट को डाल देनी है, जो भी आपका URL से आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। फिर सिंपली आपको जनरेट QR कोड पर क्लिक करनी है। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, www.youtube.com/TACKING SANDEEP। देख सकते हैं मैंने अपना YouTube चैनल के URL को डाल दिया। अब आपको सिंपली जनरेट QR कोड पर क्लिक कर रही है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक QR कोड बन के आ जाएगा, जो कि हमारे चैनल का लिंक रहेगा, ठीक है, देख सकते हैं। और हमारे पास एक QR कोड बन के आ चुका है। तो इस तरीके से आप QR कोड बना सकते हैं URL को, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेगा वाईफाई QR कोड। अगर आप अपने वाईफाई के नाम पासवर्ड को एक QR कोड में बनाना कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति QR कोड की स्कैन करे और आपका वाईफाई वो कनेक्ट हो जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना SSID डाल देनी है, नीचे आपको उसका पासवर्ड डाल देनी है, फिर यहाँ पर आपका एक QR कोड बन जाएगा, उसे कोई भी व्यक्ति स्कैन करेगा तो सीधा आपके वाईफाई से कनेक्ट
हो जाएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर ईमेल को कर सकते हैं, एसएमएस को कर सकते हैं, MP3 को भी आप कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब बहुत सारे यहाँ पर आपको फीचर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यू आर कोड को स्कैन करनी थी, यहाँ पर स्कैन का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्कैन भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर मेरे पास स्कैन करने के लिए अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, आप चाहते हैं यहाँ पर स्कैन भी कर सकते हैं दोस्तों। और इस एप्लीकेशन की खास बात यह कि बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो है गाइस, मैंने आपको बता दिया कि आखिर एक मोबाइल फ़ोन से क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, साथ ही घंटे को भी दबा लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।